नमस्कार बच्चों, शुभ दोपहर। मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, ध्यान में रखिएगा। पहले 4 दिनों तक मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है वे सारी बातें आपने पहले से पढ़ ली है, पहले कक्षा में पढ़ ली थी। फिर आप कहेंगे मिस आपने वापस तो नहीं पढ़ाया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह सारी पुनरावृत्ति के लिए मैंने तासी कर ली थी और आज से हम दूसरी कक्षा की हिंदी की किताब की ओर बढ़ेंगे और उसमें होने वाले सारे पाठ की आज से शुरुआत करेंगे। वे सारे वीडियो जो थे जो कि मैंने इसके पहले पढ़ाए हैं, ये सभी सिर्फ पुनरावृत्ति के लिए हैं ताकि आप किसी मात्रा को पढ़ने में परेशान ना हो, इसीलिए लिखा है। ठीक है, तो अभी हम अगली यानी पहली कविता की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल करती हूँ। हम जब भी पाठशाला में आते हैं, आते ही हम प्रार्थना लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रार्थना लेते हैं। तो जब आप पाठशाला में आए तभी आपने प्रार्थनाएं सीखी है? नहीं, प्रार्थनाएं हम घर में भी करते हैं, लेकिन उसका तरीका, उसका ढंग अलग होता है। हम घर में कौन कौन सी प्रार्थना करते हैं? जब दियावती करते हैं, यानी घर में जब भगवान की पूजा की जाती है तब आप प्रार्थना करते हो, घर वालों के साथ करते हो, अलग होती है। शाम के वक्त दो दिया जला जाता है, शाम दिया जिसको कहते हैं, जब उसको प्रज्वलित किया जाता है तब उस वक्त भी प्रार्थना जाते हैं। तो ये जो प्रार्थना गाई जाती है इसके पीछे का कारण क्या होता होगा? हाँ, ठीक, आपने जो समझा होगा वही ठीक है। यह प्रार्थना हमारे मन को शुद्ध करती है। प्रार्थना करने से हमारा मन शांत होता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हम पर प्रसन्न हो इसीलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, या फिर मुझे वो किसी चीज को पाना है इसीलिए उस चीज को पाने हेतु यानी स्वार्थ के लिए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, ये विचार हमारे मन में नहीं होने चाहिए। जब हम किसी भगवान का नाम लेते हैं, कोई प्रार्थना गाते हैं, देखो हमारा मन जो होता है, हमारा दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है और हम नई बातों को सोचते हैं। तो यही जो है यह प्रभाव प्रार्थना का होता है। प्रार्थना चाहे आप किसी भी भाषा में करो, अंग्रेजी में करो, मराठी में करो, हिंदी में करो, कोई कन्नड़ भाषी है तो कन्नड़ में करो, जो भाषा आप जानते हो ना उस भाषा में अगर पूरे दिल से आपने प्रार्थना की तो क्या होता है? हमारा मन मन भी शांत होता है और हमारा दिमाग जो विचार करता है उसको भी शांति मिलती है, वह विश्राम करता है और हम हमारे मन में वापस से नया उल्लास आता है और हम फूर्ति से नए काम करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए जब हम पाठशाला में आते हैं तो इकट्ठा मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि जब समूह में यानी ग्रुप में जब प्रार्थना की जाती है तो ऐसा कहते हैं कि छोटे बच्चों की प्रार्थना भगवान जल्दी सुनता है और हमारी मनोकामना पूरी करता है। इसलिए देखो हमारे प्रवीण मैडम जी हमेशा कहते हैं अगर एक बार मैंने प्रार्थना नहीं किया तो वे खुद कहती है अगर मैंने नहीं किया तो चलेगा, लेकिन आप छोटे को मेरे भगवान हो आप प्रार्थना करो, ऐसे आपसे विनती करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं। जैसे कि विश्व प्रार्थना विश्व प्रार्थना में क्या है? विश्व प्रार्थना में स्वार्थ छुपा नहीं है। क्या कहते हैं? पूरे संसार के लिए प्रार्थना करनी है। तो क्या कहते हैं? हर एक को खुश रखना है, हर एक के स्वास्थ्य को अच्छे से रखने की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, वैसे ना एक संत हो चुके हैं जिनका नाम रविदास था, रविदास था, उन्होंने भी कहा था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंगन वास समाने का, बहुत अच्छी प्रार्थना है, जब मैं आपको मौका मिलेगा ना तो आपको सुनाती हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं प्रार्थना की ओर। हमारे इस पाठ में, इस कविता में जो पहली दी है उसका नाम भी क्या है? यहाँ पर देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा है ईश्वर प्रार्थना। यह प्रार्थना किसके लिए करने वाले हैं? हम ईश्वर के लिए प्रार्थना। ठीक है, तो आप लोग अपनी किताब निकालिएगा, मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ, आप लोग हिंदी की किताब निकालिए और हिंदी की किताब में से पहली जो कविता है, पहली जो प्रार्थना है वो आपके सामने पकड़िएगा और मेरे साथ आपको दोहराना है। ठीक है, पहली प्रार्थना है, पहला का कविता ईश्वर प्रार्थना। ईश हमें दो यह वरदान, पढ़े लिखे हम बने महान। मेरे साथ आपको गाना है, पढ़ना है, पहले वाचन करेंगे फिर उसको कंठस्थ करने में आसान। कंठस्थ मतलब क्या? बाहर करने में आसान। ईश हमें दो यह वरदान, पढ़े लिखे हम बने
हमें तो यह वरदान, पढ़े लिखे हम बने महान, पढ़े लिखे हम बने महान, ऊंच नीच का भेद मिटाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए, हम धरती को स्वर्ग बनाए, हम धरती को स्वर्ग बनाए, दीन दुखी को हम अपनाए, दीन दुखी को हम अपनाए, दुनिया में हम नाम कमाए, दुनिया में हम नाम बनाए, करे सदा हम ऐसे काम, भारत का ऊंचा हो नाम, भारत का हो ऊंचा नाम। हाँ, क्या कह रहे हैं ये जो जिसने कविता लिखी है वह कवि क्या कह रहे हैं? ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना करने करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए वे पहले पंक्ति में कहते हैं ईश्वर हमें दो ही वरदान, वरदान है वे मांग रहे हैं। क्या वर मांग रहे हैं? देखो स्वर्ग देखा किसने? आज तक स्वर्ग से वापस कोई आया
तभी हो सकता है जब सभी लोग अपने विचारों को शुद्ध करें, यानी हम प्रार्थना करें। दीन दुखी को हम अपनाएं, दुनिया में हम नाम कमाएं। दीन मतलब यहाँ पर क्या है? दीन मतलब गरीब। देखो दोनों दूसरी की माता दी हुई है, दीन मतलब गरीब और दुखी मतलब जिसका मन दुखा है, जिसको कोई तकलीफ है। उन लोगों को भी क्या करना है? उन लोगों से भी दोस्ती करनी है। देखो आपकी कक्षा में अगर हमने किसी को डाटा और वह अगर छात्र रोने लगा तो आप लोग उसे दोस्ती तोड़ देते हो? नहीं, ऐसा नहीं करते हो। आप क्या करते हो? मिस के डांटने तक आप चुप बैठते हो और मिस के जाने के पश्चात आप अपने दोस्त के आंसू पोंछने का काम करते हो। इसलिए आप अच्छे हो ना, कोई बुरा नहीं है। जब आपके कक्षा में कोई रोता है, आपके पास में कोई बच्चा छोटा रोता है तो आप तो दुख होता है ना, और आप उसको चुप कराने का काम करते हैं, तो इसीलिए आप अच्छे हो। तो ऐसे दीन दुखियों को हमें अपनाना है और दुनिया में हमें क्या करना है? नाम कमाना है, यानी बड़ा करना है। करे सदा ऐसे काम भारत का मुंह ऊंचाना। हमें ऐसा काम करना है, कैसा? बहुत अच्छे विचार रखेंगे तो हमारे हाथों से अच्छे काम होंगे, और जब हम अच्छा अच्छा काम करते जाएंगे तो अपने आप से भारत वैसे भी इस दुनिया की गिनती, भारत को दुनिया की माते की गिनती कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे भारतीय लोगों की वजह से हमने जो संस्कृति बनाई है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसीलिए लोग परदेश से भारत में घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के गढ़ों को देखने के लिए आते हैं, इस जगहों को देखने के लिए आते हैं, यहाँ की प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं। तो ऐसे हम अच्छे अच्छे काम करते हुए जाएंगे तो पूरी दुनिया में हमारे भारत का धंधा ऊंचा होगा, हमारे ही भारत का नाम होगा। और ये सब कब मुमकिन है? जब हम खुद से शुरुआत करेंगे। इंसान जब खुद से अच्छे कामों की शुरुआत करता है तो वह खुद भी अच्छा बन जाता है और उसके साथ में जितने उसके दोस्त, उसके जो भी रिश्तेदार होते हैं, वे भी अच्छे अच्छे विचार करना शुरू कर देते हैं। तो यह एक प्रार्थना की मात्रा है, यह एक प्रार्थना ही हमें सिखाती है और यह शक्ति भी हमें प्रार्थना ही देती है। तो इसीलिए हमारे दिन जब अगर किसी बात का बुरा लगे तो प्रार्थना करो, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो ऐसी शक्ति सिर्फ प्रार्थना ही दे सकती है। तो चले चलते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना को हम क्या करते हैं? बोलते हैं। तो मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? गाइएगा, बोलेगा नहीं, गाइएगा, ठीक है? कितनी शक्ति हमें दे न दाता, गाइए। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, जाते जाते हुए आप लोगों को इस कविता का छोटा सा अर्थ बता
बताती हूँ और फिर हम यहाँ तक आगे हमने इस प्रार्थना में क्या देखा कि ईश्वर प्रार्थना में शक्ति होती है, लेकिन यह ईश्वर प्रार्थना तभी सफल होती है जब हम अच्छे विचारों के साथ मनों से इस प्रार्थना को की जाए। तो उस प्रार्थना यह प्रार्थना करते समय आपको कौन सा ध्यान रखना है कि आप लोगों को अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ने की उस शक्ति को पाने के लिए प्रार्थना करनी, ताकि आप अच्छा लिख सको और लिखकर पढ़कर अच्छे लोगों से दोस्ती करके दीन दुखियों को अपना कर हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे काम करके हम क्या करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। भारत का नाम तभी रोशन होगा जब हमारे हाथों से अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे। और ये सारी शक्ति हमें कौन देगा,